ओम शांति। आज की तारीख है 5 मई 2023। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है, तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। बाबा ने कहा, तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है, तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? बाबा ने उत्तर दिया, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पर्टी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। इसीलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, अर्थात प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है। आज की मुरली का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तकदीर हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 पॉइंट है, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है। सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है, किसी का भी चिंतन नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। आज की मुरली का वरदान है, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा ने समझाया, जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो।
हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। बाबा ने कहा, जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। आज की मुरली का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति।